पढ़े हुए अखबार के पन्ने मेज पर रखे हैं। कई पुराने रास्तों पर जहन चलता जाता है। चुप हुई मगरिब की अजान के बाद परिंदे घर को लौट रहे हैं। मैं अपने ही घर पर ईश्वर ढूंढ रहा हूं, वह ईश्वर जिसके होने की गुंजाइश एक बच्चे की लिखी ईश्वर वंदना में एक तोतली सी आवाज में सुनाई पड़ती है। ईश्वर क्या इस वंदना को समझता होगा? क्या उसे यह भाषा आती होगी? ईश्वर सभी भाषाओं का ज्ञाता होगा। जुबान वालों को भाषा लिखने का गुर भी ईश्वर ने ही सिखाया होगा। क्या ईश्वर ही ढूंढ लाया होगा लिपि? पता नहीं, शायद मानव की ढूंढने की चेतना ने उसे लिपि ढूंढने को प्रेरित किया होगा। यह मैं इसलिए सोच पा रहा हूं क्योंकि हाल ही के दिनों में मैंने एक कहानी सुनी, एक खोज की, एक ढूंढने की। हाँ रे, तो आज तुम लोग क्या पढ़ेगा? आज हम भाषा पढ़ेंगे। है रे मंगल, तू कौन भाषा बोलता है? बांग्ला। और लिखता किस में है? बांग्ला। हाँ रे, तू कौन भाषा बोलता है? बांग्ला। और लिखता किस में है? बांग्ला। है रे बुतरो, तू कौन भाषा में लिखता है? हिंदी में। बड़ा लाट साहब का नाती है, इसके पास कोई लिपि नहीं है, कोई लिपि नहीं है। भाषा तो जानवर के पास भी है लेकिन लिपि नहीं है, और जिसके पास लिपि नहीं है वो क्या होता है? हाँ, जानवर। ये एक नंबर का मूरख है, मूरख। Thank you.
आयो आयो। बेटे साहब, हम लोग गांव की ओर से आए हैं, शिक्षा की समस्या को लेकर एक एप्लीकेशन है आपके सामने। ये एप्लीकेशन पर हमारी समस्याओं के बारे में लिखा गया है। क्या है ये एप्लीकेशन? है हमारे गांव की शिक्षा की समस्या को लेकर के। क्या लिखा हुआ है? देखिए सब सब नहीं चलता यहाँ पे, हिंदी में लिख के लाइए, समाज बर्बाद मत कीजिए। आप हिंदी में लिख के लाइए सर, जाइए।